हेलो देखिए, एक्सरसाइज के एमसीक्यू या अदर क्वेश्चंस जो थे वो मैं पहले करा चुका हूँ। अब हमने जो करने हैं मेन क्वेश्चंस जो रिटर्न में आपने फिर नोटबुक में करने चाहिए उस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे ड्रे नहीं डंडा आपको मारूंगा नहीं, आप आराम से बैठ के काम कीजिए। ये पिटाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन द फर्स्ट वर्स ऑफ द पोएम। पोएम की जो पहली लाइनें हैं उसमें उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, द ट्विंस रिजेम्बल्ड ईच अदर सो मच, कि जो जुड़वा बच्चे थे एक दूसरे से इतना ज्यादा मैच करते थे वो, दैट एवरीवन मिस्टूक द पोएट फॉर हिज ब्रदर, कि हर कोई गलती कर बैठता था कि कवि कौन है और उसका भाई कौन है, तो उसके भाई को ही कवि समझ बैठते थे, हेनरी समझ बैठते थे। इट कंफ्यूज्ड देयर रिलेटिव्स, इसने कंफ्यूज कर दिया उनके रिश्तेदारों को भी। सो मच, बहुत ज्यादा उसके रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा उन्होंने कंफ्यूज किया, दैट दे वंडर हु वॉज बोर्न एज ए ट्विन, कि वे हैरान थे कि हु वॉज बोर्न ए ट्विन, के जो ये जुड़वा पैदा हुए थे क्यों, देख के इतने ज्यादा कंफ्यूज, समझ ही नहीं पा रहे थे कौन हेनरी और कौन जॉन है। नेक्स्ट देखिए, रीड द सेकेंड वर्स, हाउ इज लक सेड टू हैव प्लेड ए हैंड। इसके हमने जो है सेंट्रल आइडिया देना। देखिए, आंसर देखिए, वन डे एज दे वर बीइंग वॉश्ड, एक दिन जब उनको नहलाया गया, वॉश किया गया, धोया गया बाय द नर्स, नर्स के द्वारा जब उसको धोया जा रहा था, मीन्स जब बच्चे होते हैं तो उनको नहलाया जाता है, तो क्या हुआ, दे गोट कंप्लीटली मिक्स्ड, तो पूर्ण रूप से आपस में एक मिल गए, मिलने का मतलब है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे समान थे, उसकी माँ भी नहीं पहचान पा रही थी कौन सा बड़ा है, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ, तो नर्स से वो मिक्स हो गए। नर्स को खुद नहीं पता पहले कौन सा जन्म लिया था और उसके बाद में किसने जन्म लिया। सो हिज ब्रदर जोहन क्रिश्चियन हिम, तो क्या हुआ कि उसके भाई का नाम जो है, उसका नामकरण जो है जोहन का, वो कवि के नाम पे हो गया, और एंड ही गोट क्रिश्चियन हिज ब्रदर, और जो उसके भाई का जो नामकरण होना था, जो नाम रखा जाना था क्रिश्चन रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, वो हेनरी को मिल गया, मिस पोएट का नाम रखा गया। बाकी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ आपकी पोएम में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, वो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सारे एक्सप्लेन मैंने कर रखे हैं पहले ही। तो यहाँ देखिए, रीड द थर्ड वर्स, जो थर्ड वर्स है उसको आप पढ़े अभी और इसको एक्सप्लेन करना है। What reason does the speaker give for having been flogged? What reason does the speaker give? को क्या रीजन देता है स्पीकर इसमें फॉर हैविंग बीन फ्लॉग, मतलब जो कवि जो है हेनरी, इसकी पिटाई हो जाती है, गलती उसका भाई करता है जोहन, तो इसमें क्या रीजन देता है, क्या बताता है? द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहता है कि द टीचर फ्लॉग्ड हिम एज दे थॉट ही वो जोहन, क्योंकि टीचर क्या समझते थे कि ये जोहन है, पहचान नहीं पाते थे, तो जोहन गलती करता था और पिटाई जो है पोएट हेनरी की होती थी। एंड जोहन हैड टर्न आउट टू बी फूल, और जोहन जो है मतलब गलती करके मूर्ख बन जाता था, मतलब ये दिखावा करता जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। तो आगे देखिए, रीड द फोर्थ वर्स, चौथी वर्स को पढ़िए, मतलब अपनी जो स्टेंजा है आपका पोएम में उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। व्हाट क्लेम डज द स्पीकर मेक, क्या क्लेम जो है स्पीकर करता है अबाउट हिज मैरिज, अपनी मैरिज के बारे में क्या बताता है, इसका आंसर देखिए पहले यहाँ पे देखिए। समहाउ द स्पीकर्स इंटेंडेड ब्राइड, किसी प्रकार से स्पीकर की जो मतलब कवि की जो इंटेंडेड ब्राइड थी जिससे उसकी शादी होनी थी, बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, वो उसकी भाई की पत्नी बन जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हुज फ्यूनरल वॉज हेल्ड, फ्यूनरल होते अर्थी, किसकी अर्थी सजाई गई थी, आंसर देखिए, व्हेन द स्पीकर डाइड, जब स्पीकर जो कवि है उसकी डेथ हो गई, तो क्या बताएगा, द नेबर्स थॉट दैट, पड़ोसियों ने सोचा कि हिज ब्रदर डाइड, कि उसका भाई मर गया है जोहन, एंड सो दे केम एंड बरीड हिज ब्रोदर जोहन, और वे आए उसके भाई जोहन को उन्होंने दफना दिया, जबकि
अब ये कवि कह रहा है कि माले मौत मेरी होगी, दफना दिया जोहन को। ये हंसी के लिए बनाई हुई कविता थी, नहीं तो मान लीजिए कवि जब कविता बना रहा है तो मर ही गया था, फिर उन्होंने लिखा कैसे? तो इन बातों पे ना जाए, क्योंकि ये मनोरंजन के लिए बनाई हुई थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इनको देख सकते हैं, कंप्लीटली आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। रेड पेन से लिखी हुई दीज आर क्वेश्चंस एंड ब्लू पेन में आपके आंसर्स दिए हुए हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन की वीडियो मैंने आपको भेजी दी थी, और इस प्रकार से आप हमसे जुड़े। तो नए अभी जो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब हम हर रोज़ एक दो वीडियो डालते हैं तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।